हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग. आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट क्यूरफिट. तो मुझे याद है एक बार मैं कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था और उस ऑनलाइन टेस्ट में अलग अलग सेक्शंस थे. सेक्शन ए कोडिंग, सेक्शन बी डेटा स्ट्रक्चर्स के एमसीक्यू, सेक्शन सी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू. फिर उसमें एक सेक्शन ऐसा आया जिसमें उसमें एप्टी के क्वेश्चंस पूछे गए थे. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एप्टी के क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे. जैसे कंपनी का नाम है डीई शॉप और भाई साहब इतने तगड़े लेवल के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे एप्टी के. 20 मिनट में कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस ही हो पाए थे. तो कुछ कंपनीज होती हैं जो एफटीए क्वेश्चंस पूछती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो एफटीए क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं. खैर, डीई शॉ की तो बात अलग है, बाकी कंपनीज के जो एफटीए क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको सिलेबस पता हो, अच्छे से तैयारी की हुई हो, तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज में एफटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अपनी जो एनालिस्ट प्रोफाइल की कंपनीज आती है ना, जैसे आपकी मॉर्गन स्टैनली हो गई, आपकी सिटी बैंक हो गई, इस तरीके के, चलो एक बार देख ही लेते हैं कौन सी कंपनी में एफटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यार, जितनी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है. बाकी कंपनीज़ के बारे में आप कमेंट से मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पर मिस आउट हो गई हैं. तो देख सकते हैं ज़्यादातर कंपनीज जो यहाँ पर हैं वो एनालिस्ट की पोजीशंस के लिए लेके जाते हैं. और मैंने यहाँ पर अडोबी को कुछ अलग तरीके से मार्क किया हुआ है. उसका रीज़न ये है कि अडोबी में जो फर्स्ट राउंड होता है ऑनलाइन टेस्ट, उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यूज़ में भी आपके एफटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अच्छा भाई, एफटी क्वेश्चंस होते कैसे हैं? तो आपने कभी कभी देखा होगा एक ट्रेन जो स्टेशन ए से बी पर जा रही है, एक ट्रेन जो बी से ए पर आ रही है, वो बीच में कहीं मीट करती हैं, बताइए कहाँ मीट करती है. इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एफटी क्वेश्चंस होते हैं. देन ए बी आर वर्किंग विद दिस स्पीड, सी इज़ कमिंग, सी इज़ ज्वाइनिंग देम, सी इज़ वर्किंग विद दिस स्पीड, बताइए कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा. ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये एफटी क्वेश्चंस होते हैं. चलिए अब थोड़ा प्रॉपर्ली ही डिस्कस कर लेते हैं किस किस तरीके के, किस किस कैटेगरीज के एफटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कहाँ कहाँ से उनकी तैयारियाँ करनी है. तो चलिए अब कुछ ऐसी मेजर कैटेगरीज देख लेते हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है. साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता दूंगा जहाँ से आप इजीली इन सब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में. सो इफ यू वांट टू लर्न सिस्टम डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और फुल स्टैक डेवलपमेंट, देन अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग यू अ फ्री 2 डेज बूट कैंप. अभी जो बूट कैंप है इसमें आपके 10 आवर्स विल बी एलोकेटेड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जहाँ पर 10 आवर्स कंटिन्यूसली आपको DSA प्रैक्टिस करवाया जाएगा. एंड देन 10 आवर्स विल बी फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिज़ाइन. तो आई थिंक सिस्टम डिज़ाइन एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली अटेंड, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक ऑन इट. सिस्टम डिज़ाइन आपको एक्सप्लिसिटली बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं और सिस्टम डिज़ाइन की इंटरव्यूज़ में इंपॉर्टेंस भी हो जाती है इफ़ यू आर सिटिंग फॉर अ स्टार्टअप सच एज कोऑर्डिनेशन. और ये जो सेशंस हैं ये कंडक्ट कराए जाएंगे बाय द पीपल हु आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनी सच एज गूगल, लिंक्डइन, अमेज़न एंड अदर मेजर टेक जायंट्स. सो इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दिस इवेंट, द डेट्स आर 17th and 18th दिस वीकेंड एंड द इवेंट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 17th at 12 PM. You can have a look at the form in the description. You can fill out that form if you want to participate in this. तो अब कुछ broad categories मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले जो category है वो सबसे simple वाली category, of course, आप लोग CSE background से अगर belong करते हैं, आप लोगों को जो subjects हैं उनके MCQs तो आते ही होंगे. जैसे object oriented programming है, operating system है, DBMS है, computer networks है, इसके थोड़े थोड़े से आपको MCQs भी आने चाहिए. तो अगर ये चीज़ आप लोगों ने prepare नहीं की है तो मैंने 4 या 5 वीडियोस बना रखी हैं, 2 फॉर DBMS, एक SQL की, एक थ्योरी की, बाकी CN, OS इन सब की मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो वहाँ पर जाके आप लोग सीधा रिसोर्सेज पर जाके MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाकी वहाँ पर मैंने सब कुछ और भी मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या थ्योरी के लिए पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मेंशन है उन रिसोर्सेज में. बाकी उसके बाद आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग रिलेटेड. अच्छा, प्रोग्रामिंग रिलेटेड अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, DSA आते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आपको. वैसे गीक्स फॉर गीक्स से अगेन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं GFG से. बाकी आई थिंक जो स्टैक वगैरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर लेंगे आसानी से. देन इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, बहुत ही माइनर डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस इसमें आते हैं. देन पैटर्न मैचिंग, अच्छा पैटर्न मैचिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, इजीली कर लेंगे आप लोग. देन पजल्स के लिए अगेन यू कैन आइदर विजिट गीक्स और गीक्स और यू कैन जस्ट सिंपली सर्च, आप लोग सर्च कर सकते हैं एंड आप लोगों को पजल्स मिल जाएंगे. कुछ स्टैंडर्ड पजल्स हैं, आप लोग वो ट्राई करके जा सकते हैं. अडोबी जैसी कंपनीज में पजल्स भी पूछ लिए जाते हैं.
देन आता है आपका जो मैंने पहले डिस्कस किया था जो ट्रेन एंड टाइम वाला प्रॉब्लम होता है ना, उस टाइप का प्रॉब्लम. देन ए एंड बी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर दिस मच टाइम एंड देन डी ज्वाइन देम, बताओ कितना टाइम लगेगा. मतलब वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग देख लेना, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस देख लेना, और एक परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दोज परसेंटेजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. ए इज एक्स परसेंट ऑफ बी, बी इज एक्स परसेंट ऑफ सी, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. अच्छा, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है स्पीड से, ठीक है. एप्टी के क्वेश्चंस कुछ कंपनीज छोड़ के, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही ईजी आने वाले हैं, तो मेन जो कंपटीशन रह जाता है वो रह जाता है स्पीड का. तो आप लोगों को अपनी स्पीड पे काम करना है. अब उसके लिए जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो एक स्पेसिफिक टाइम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने का ट्राई करो. जैसे मैं क्या करता था, मैं इनफैक्ट डीएससी के क्वेश्चंस भी होते हैं तो मैं टाइमर लगा के ही उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ. सो यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट प्रैक्टिस, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है. तो ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आप लोग अपनी डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट माई 250 क्वेश्चंस डीएससी शीट. वो आपको शीट भी मिल जाएगी जहाँ पर आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन एज वेल एज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं. So all the best for your preparation, and do give your comments, do give your suggestions, and if you like the video, please leave a thumbs up. Thank you.